हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कर्व के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, बीट्स ऑफ कैरिज वे के बारे में। तो कर्व होता क्या है? कर्व जनरली रोड और शोल्डर के बीच में एक बाउंड्री की तरह प्रोवाइड करते हैं, उसे कर्व बोलते हैं। बाउंड्री की तरह रहता है, जैसे ये रोड हो गया, यहाँ पे ऐसे एक प्रोवाइड रोड के एज पे और शोल्डर के, मतलब दो रोड एज और शोल्डर के बीच में जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इसे बोलते हैं कर्व। ठीक है, कर्व का अलग अलग शेप होता है, जैसे कि आप फोटो ड्राइंग में देख सकते हो, ये चार तरह का है, अलग अलग शेप में कर्व है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसा रिक्वायरमेंट होता है, जितने हाइट का कर्व का रिक्वायरमेंट होता है ट्रैफिक के हिसाब से या हाईवे डिज़ाइन के हिसाब, रोड के डिज़ाइन के हिसाब से, तो हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं। पहला कर्व क्या है? पहला है लो माउंटेबल कर्व। ठीक है, लो माउंटेबल कर्व में हाइट कम होगा, लो हाइट कम होगा, ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो तो ट्रैफिक क्रॉस कर सके, कर्व के ऊपर से इजीली पास कर सके। तो इसका हाइट कितना होगा? इसका हाइट होगा 10 सेंटी, 10 सेंटी मतलब 100 mm के आसपास होगा। दूसरा क्या है? दूसरा कर्व हो गया माउंट सेमी बैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेमी बैरियर। सेमी बैरियर में क्या होगा, अगर कंपेयर किया जाए लो माउंट से, तो इसका हाइट थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब 150 mm होगा, मतलब 15 सेंटी। ठीक है, अभी देखेंगे वो बैरियर टाइप। बैरियर टाइप कर्व में क्या होगा? बैरियर टाइप का कर्व का हाइट होगा सेमी बैरियर से ज़्यादा होगा, मतलब 20 सेंटी होगा, और आप बोल सकते हैं 200 mm। ये जनरली बैरियर टाइप जो कर्व होता है, ये कहाँ पे यूज करते हैं? बैरियर टाइप कर्व हम लोग यूज करते हैं नेशनल हाईवे में, स्टेट हाईवे में, और गाड़ी बैरियर इसका हाइट ज़्यादा इसलिए रखते हैं क्योंकि गाड़ी इधर से पास ना कर सके, गाड़ी पास ना कर सके इधर से, इसलिए हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं, इसका हाइट ज़्यादा रखते हैं। ये सबमर्ज हो गया। सबमर्ज में क्या है? ये गांव का रोड है। सबमर्ज कैसा है? ये जो सबमर्ज कर्व है, ये जनरली गाँव के रोड में यूज करते हैं इसका। ये सबमर्ज मतलब ये मर्ज होता है रोड के अंदर, रोड शोल्डर और रोड के बीच में होता है, बाउंड्री होता है, बट ये कैसा होता है, वो ऊपर रिज नहीं होता, अंदर होता है वो, इसका टॉप सरफेस जो होता है ना रोड सरफेस के बराबर में होता है। ये हो गया सबमर्ज। अभी देखेंगे ये आप इसके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, इसमें पूरा लिखा हुआ है लो माउंटेबल कर्व क्या होता है, सेमी बैरियर कर्व क्या होता है, बैरियर टाइप कर्व क्या होता है, और सबमर्ज रोड मार्जिन होता है। रोड मार्जिन, मार्जिन का मतलब एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करना। ठीक है, तो हम लोग रोड के दोनों साइड एक्स्ट्रा स्पेस जो प्रोवाइड करते हैं, आप देख रहे हो ना, ये एक्स्ट्रा स्पेस जो है, इसी को बोलते हैं रोड मार्जिन। अब इसको शोल्डर भी बोलते हैं, पार्किंग लेन के लिए भी काम आता है, बहुत सारे काम आता है। अगर गाड़ी को गाड़ी ख़राब हो गया, एक्सीडेंट हो गया गाड़ी को, तो गाड़ी को लगाने के लिए यूज़ करते हैं, पार्किंग के लिए यूज़ करते हैं, गाड़ी का पंक्चर हो गया तो साइड में करके गाड़ी रिपेयर कर सकते हो, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं शोल्डर का। पार्किंग लेन में क्या, गाड़ी पार्किंग करते हैं, गाड़ी जहाँ मार्केट एरिया होता है, मार्केट प्लेस हो गया, मॉल हो गया, तो वहाँ पे हम लोग पार्किंग, कार को पार्क करने के लिए जगह चाहिए रोड पे, तो इसलिए एक्स्ट्रा रोड मार्जिन देते हैं, रोड मार्जिन प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करते हैं ताकि गाड़ी लग सके। और भी बहुत सारा हो गया, लग सबवे, सर्विस रोड, साइक्लोन ट्रैक, फुटपाथ, और विड्थ ऑफ परमिशन, राइट ऑफ वे, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे।